दोस्तों, क्या आपको पता है कि टायर का रंग हमेशा से काला ही क्यों होता है? वैसे तो रबर का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाए तो इसका रंग काला हो जाता है। साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते हैं। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च हुई, जिससे ये पता चला कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। रबर में कार्बन मिलाने से यह पहले से और बेहतर काम करने लगा, और इसका फ़ायदा यह हुआ, जहाँ साधारण रबर से बना टायर 10 किलोमीटर चल सकता है, वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबर का टायर 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबर में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाते हैं, इसलिए टायर का रंग काला होता है। इसके अलावा दोस्तों, यूएसए का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, और एक्रॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी चेकआउट करें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।